बहराइच के विकासखंड फरकपुर चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा वितरित किए गए कंबल फरकपुर विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों की गरीब असहाय बुजुर्ग महिलाएं विकलांग सभी कंबल पाते ही लूटे सभी के चेहरे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजदेव सिंह, उप जिलाधिकारी केसरगंज, पुलिस क्षेत्राधिकारी केसरगंज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 500 विधवा वृद्ध महिलाओं, दिव्यांगों, अति निर्धन असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। आज नहीं, ये विगत 4 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी हमारे पूरे संभाग में, इसको संभाग मतलब फैजाबाद और देवीपाटन में, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के सभी जिलों में मैं प्रयास करता हूँ कि जो समर्थ लोग हैं उनके सहयोग से हिंदू युवा वाहिनी गरीब विधवा वृद्ध माताओं को, दिव्यांगों को, मंदिर जो गांव-गांव में छोटे छोटे हैं उनके संतों को बुला करके और उनको सहभोज कराया जाता है, फिर उनको कंबल बांटा जाता है और उनको राम नाम का जप कराया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कि आप गांव पे जाइए, अपने घर पे जाइए तो अपने घर को और गांव को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में यह कार्यक्रम हमारा बड़ा प्रभावी रहता है। हमारी जो सरकारी मशीनरी भी जाती है वो इतने इन लोगों के बीच में नहीं जा पाती है, तो एक अच्छा अवसर रहता है कि इनको धर्म से जोड़ करके और गांव घर को साफ सुथरा रखें ताकि इनके यहाँ बीमारी ना आवे। और साथ ही एक प्रयास, अकल्प प्रयास हिंदू युवा वाहिनी करती है, पिछले वर्ष भी लगभग 10,000 कंबल हिंदू युवा वाहिनी ने पूरे बहराइच के 14 ब्लॉक और नगर में बांटा था। इस बार यह पहला कार्यक्रम हमारा है, इसके बाद सभी ब्लॉकों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे जिसमें सभी को सहभोज कराया जाएगा, सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और सबको कंबल बांटा जाएगा। सर, नागरिकता संशोधन बिल पर जगह जगह अफवाहें फैल रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, नागरिकता में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी मैंने विषय लिया था कि सहारनपुर में अभी कल ही न्यूज पे आया था कि 135 मुस्लिम परिवार थे जो 35 वर्षों से देश में रह रहे थे लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलती। हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने यह देखा कि ऐसे करोड़ों लोग देश में पड़े हुए हैं, हैं तो देश में लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई है, इसलिए उनको एक नागरिक के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, उनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उनका और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, उनको लाइट मिलनी चाहिए, उनको शौचालय मिलना चाहिए। नागरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या अपील करेंगे, क्या जन संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो इसको यूनिक कार्यक्रम की संज्ञा देता हूँ और बहुत ही अच्छा यहाँ के लोग हैं और कार्यकर्ता विशेषकर हिंदू युवा वाहिनी के कि बताइए अपने बल पर लोग, सबसे जटिल काम होता है पात्र व्यक्तियों को चयन करना। इन लोगों ने गांव-गांव जाकर के पात्र व्यक्तियों का चयन किया और जब मैं वहाँ पर शिविर में था तो देखा कि जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सभी पात्र हैं और अपने दम पर ये जो है 500 कंबल बंटवा रहे हैं, बहुत ही पुनीत कार्य है और ठंडी भी बहुत पड़ रही है, एकदम समय से जो है कि बहुत अच्छा काम किया गया।